हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी राइडर अंडरस्कोर शिवम खन्ना। और अब हम पोंटा से निकल चुके हैं और नाहन की तरफ जा रहे हैं। नाहन से आगे हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे जाएंगे, और गुरुद्वारा जो सरहंद में पड़ता है, पंजाब में आता है। आगे आपको दिखाते हैं हम जाके कि वहाँ पर क्या है, कैसा गुरुद्वारा है, वहाँ के बारे में बताएंगे आपको। मौसम बहुत हो रहा है बढ़िया, मगर मैं कह रहा था बादल है, मगर ये बादल नहीं है। अगर बादल होते कहीं होते कहीं नहीं होते, ये फॉग है। और मैं भी हैरान हूँ कि अभी विंटर चालू भी नहीं हुई, फॉग अभी से आ गया है। लगता है कि ये जो मौसम चल रहा है, बारिश का अभी चल रहा था, उसकी वजह से मॉइस्चर काफ़ी है हवा में, तो उसकी वजह से ये फॉग हो रहा है। लगभग हम नाहन पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। और हम जो है, चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं अब और चाय वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू, पूरा पहाड़ों के बीच में एक नदी जा रही है। और ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। मैं पहले भी इस रेस्टोरेंट में आता था छोटे वक्त, और काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ अब। और अपने फादर लोगों के साथ आता था, मम्मी के साथ आता था। और अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ हम थोड़ा सा चाय वगैरह। तो अब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया है, चाय बटर टोस्ट। ये देखिए बटर टोस्ट खा के देखते हैं कैसे हैं। ट्रक वाले हमारा वीडियो ख़राब कर रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी बटर टोस्ट है, अच्छे से बटर लगाया हुआ है इन्होंने। अब चाय भी पी के देखते हैं कैसी है इनकी। चाय भी अच्छी है, जैसी मैंने कहा था वैसी चाय है बिल्कुल। तो अब हम चाय ब्रेड टोस्ट वगैरह खा के निकल पड़े हैं आगे सरहंद के लिए। और ये नाहन की पहाड़ी चढ़ रहे हैं अब हम। बहुत ही टेस्टी था इनका, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अभी मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा यही होता है, मैं थोड़ा लाइट करता हूँ ब्रेकफास्ट। ये चंडीगढ़ से हाईवे आ रहा है और मेरे पीछे से ये नेशनल हाईवे कहलाता है, जो कि दिल्ली तक जाएगा, आगे भी निकल जाएगा ये रास्ता। और आगे यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, दिखाते हैं आपको। ये अम्बाला सिटी कहलाती है, अम्बाला कैंट इसके बाद में आएगा। तो यहाँ से हम लुधियाना अमृतसर के लिए राइट ले रहे हैं, और सरहंद बीच में फतेहगढ़ साहिब जाएंगे हम। अब आपको हम बता दें कि हमारी सबसे लंबी राइड है तकरीबन देहरादून से 400 किलोमीटर की। हम अमृतसर गुरुद्वारे जा रहे हैं, जिसके बीच में हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे होते हुए जाएंगे सरहंद में जो आता है। मौसमी का जूस पीने भैया के पास, और आजकल गर्मियों में इधर मौसमी होती है, सर्दियों में कीनू होता है। तो हम यहाँ रुके हैं पीने के लिए कि हमें भी आराम मिल जाए, गाड़ी को भी आराम मिल जाए, थोड़ी आराम से पी लें। भैया कितने का है जूस? 40 और 50। ठीक है, बिना छने देना है ना, और पानी मत मिलाना, पानी वो नहीं कुछ मत मिलाना, ठीक है, प्योर होता है। चलो भैया, भैया बता रहे हैं प्योर जूस है इनका, तो पी के देखते हैं कैसा है। तो अब हम यहाँ से राइट कटेंगे 180 मीटर फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। तो ये राइट टर्न हमने यहाँ से लेंगे फतेहगढ़ गुरुद्वारे के लिए।
यही रास्ता है, मैं काफ़ी साल बाद जा रहा हूँ। मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ये एक गेट बना हुआ आता है, मेरे को इतना पता है। तो हमने अपना जीपीएस लगाया हुआ था अपनी गाड़ी में, तो इसमें एरो डायरेक्शंस वगैरह सब दिख जाते हैं। तो ये फतेहगढ़ गुरुद्वारा एंटर हो चुके हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो हम फतेहगढ़ साहिब पहुंच गए हैं, बस गुरुद्वारा पहुंचने वाले हैं। गुरुद्वारे, इस गुरुद्वारे की भी एक अलग कहानी है। मुगल टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, दो बच्चों को जिनकी 7 साल और एक 9 साल की उम्र थी, उनको यहाँ पर जिंदा बनवा दिया गया था, मुगलों ने करा था। तो ये गुरुद्वारा बहुत माना हुआ है, काफ़ी मानता है इस गुरुद्वारे की, फतेहगढ़ गुरु साहिब की। तो हम लगभग पहुँचने वाले हैं, 100 मीटर पे है। हम सोचा चलो, अब हम फतेहगढ़ गुरुद्वारे पहुँच गए हैं, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, 7 साल के बच्चे और एक 9 साल के बच्चे को जिंदा चुनवा दिया गया था मुगल टाइम में। तो अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम दर्शन करने। तो हम पहुँच गए अंदर, आप भी दर्शन कीजिए। वैसे हम बता दें, हम फतेहगढ़ साहिब के दर्शन करके आ गए हैं गुरुद्वारे के, और फ़ोटो वगैरह वीडियोज़ वगैरह इन्होंने अलाउ नहीं कर रहे थे, और एक आदमी मैंने खींच ली है जो रोल मोबाइल से वगैरह से। तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न होता है कि खींचना अलाउड नहीं होता, अक्सर हर जगह मंदिर गुरुद्वारे में होता है, मगर थोड़ा बहुत मैंने पूछ के खींच ली थी कि उन्होंने बोला चलो खींच लो, आपको दिक्कत नहीं, आप इतनी दूर से आए हो तो खींच लीजिए। उन्होंने खींचने के लिए अलाउड कर दिया था एक आधी फोटोज़ बस। तो बाकी दर्शन हम करके आ गए। ये गुरुद्वारा बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, जैसा मैं आपको बताया भी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस गुरुद्वारा है। तो अब हम यहाँ फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे से निकल गए हैं अमृतसर के लिए। तो आपको जैसा बताऊँ कि आज मेरी सबसे लंबी राइड है, मैं बहुत खुश हूँ वैसे हूँ। तो दर्शन अच्छे हो गए हैं बाबे के, अब हम निकल पड़े हैं अमृतसर के लिए, दरबार साहिब के लिए। लेट्स गो। तो अब हम ये लुधियाना से थोड़ा सा पहले सानेवाल के बाद रुके हैं लव पंजाबी ढाबा, देखने में अच्छा लग रहा था। आसपास भी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है, देखिए मैकडॉनल्ड्स है, बास्किन रॉबिन्स है, बरिस्ता है, एक कोई पिज़्ज़ा का भी है, नाम ढंग से नज़र नहीं आ रहा वहाँ से। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हमने सोचा अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खाने की, तो अब देखते हैं आगे क्या खाते हैं। मगर मैं तो खाऊँगा आलू का परांठा ही, लंच का टाइम भी हो रहा है, आलू का परांठा खाऊँगा। और क्योंकि जीटी रोड पे अगर आए हो तो आलू का पराठा ना खाया तो क्या मज़ा, पंजाब के तो आलू पराठे वैसे ही पसंद है, सभी को आंदे हैं। अलग ही लेवल का है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया सर, पराठा का मैंने खाया, बहुत ही अच्छा है, आपके यहाँ का मैं फैन हो गया, मज़ेदार मजेदार, बहुत ही टेस्टी था। क्या नाम है आपका भैया? देवभूमि उत्तराखंड। अच्छा, और आप? अरे वाह, तुम तो हमारे शहर से हो यार। तो ये मेरे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो अब हमने अपना लंच कर लिया है, और अब हम निकल चुके हैं अमृतसर की, और अब देखते हैं रास्ते में और भी बहुत जगह, अभी तो काफ़ी दूर है अमृतसर,
अभी लंबा जाना है, गाड़ी को भी आराम मिल गया है और अब चलते हैं।